Hello students, welcome in ITech classes. Today we will discuss about unit number 2, web applications, and we will start from networking fundamentals. Firstly, what is network? Network kya hota hai? Network is a group of computers connected to each other for the purpose of information sharing or data sharing. And the second work we are doing here, resource sharing. नेटवर्क का बेसिकली वर्क क्या होता है, हम डेटा को शेयर करते हैं, लाइक हम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, और सेकंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबके बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, एंड दिस बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. सेकेंड वर्क वी आर डूइंग हियर रिसोर्स शेयरिंग, एंड रिसोर्स शेयरिंग का मीनिंग आई थिंक सबको पता है कि रिसोर्स शेयरिंग में हम क्या करते हैं, लाइक हमारे पास हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स हैं, हमने कंप्यूटर लैब में हंड्रेड कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया, और वहाँ पे हमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, लाइक हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होती है. अब अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए हम अलग अलग प्रिंटर नहीं लेकर के आएंगे, हमें हम क्या करेंगे, एक ही प्रिंटर को विद इन 100 कंप्यूटर्स यूज करेंगे, यानी कि हमारी यहाँ पे हार्डवेयर कॉस्ट क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है. एक ही प्रिंटर आपके क्या काम कर रहे हैं, सब कंप्यूटर्स के लिए कॉमनली काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो गया, रिसोर्स शेयरिंग हो गया. अगर अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर लेकर के आते तो हमारी कॉस्ट यहाँ पे बढ़ जाती, बट ये पॉसिबल कब हुआ, जब हमने नेटवर्क को डिजाइन किया, नेटवर्क बनाया. अब बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ आर्किटेक्चर्स आते हैं नेटवर्क में. फर्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क. अब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, जिसको हम पी टू पी बोलते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सबके पास क्या होगा, इक्वल स्टेटस होगा, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और उस टाइप के नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं. अब डिजाइन की बात करें तो इसमें आपको अगर पेपर में आता है तो डायग्राम जरूर बनाना है. डायग्राम भी हम कैसे बनाएंगे, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सारे अपने आप में क्या है, क्लाइंट भी है, अपने आप में सर्वर भी है, उनके बीच में डिस्टेंस कॉमन सेम रखना और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना एक सिंगल वायर से. अब वहाँ पे देखो क्या होगा, इन जनरल इन सच ए नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज़ एन इक्वली कंपोनेंट कॉम्पिटेंट सीपीयू, यानी कि अपने आप में क्या होगा, हर किसी के पास में खुद का सीपीयू होगा, खुद का ही प्रोसेसिंग टर्मिनल होगा. अब यहाँ पे देखिए सब कंप्यूटर्स के पास क्या होगा, अपने आप ऑल आर वर्किंग एज ए क्लाइंट एज वेल एज सर्वर, यानी कि कोई किसी भी कंप्यूटर में किसी टाइप का डिफरेंस नहीं होगा कि मेरे पास स्टेटस ज़्यादा है, मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, सब अपने आप में क्या है, क्लाइंट भी हैं और सर्वर हैं. तो इस टाइप के नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं. सेकेंड आर्किटेक्चर आता है क्लाइंट सर्वर, और क्लाइंट सर्वर सबसे इजी आता है. उसमें क्या होगा, हमारे पास एक क्लाइंट होगा, सेकेंड वन इज क्या होगा, सर्वर होगा. नंबर ऑफ क्लाइंट्स हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं, बट सर्वर हमारे पास क्या होगा, एक होगा. क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, एंड विल सर्च अबाउट द इन्फॉर्मेशन एंड विल रिवर्ट बैक टू द क्लाइंट. क्लाइंट को रिक्वेस्ट का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको रिवर्ट करेगा, वो क्या होता है, सर्वर होता है. और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के बीच में अगर क्वेश्चन आता है कि विच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग इन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो वो कौन सा होते हैं, HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने का काम होता है, और सर्वर से जो भी रेस्पॉन्स आता है उसको क्लाइंट तक पहुंचाने का काम होता है, वो कौन करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल करते हैं. अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जनरली हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन होता है, मैन एंड वैन. सबसे पहले लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका एक जियोग्राफिकल एरिया होता है, वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर अप करते हैं, लाइक हमारे अगर हम होम में हम होम में कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे आपका जियोग्राफिकल एरिया कम होता है, तो वहाँ पे अगर नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट हम करना चाहेंगे तो हम किसको प्रीफर करेंगे, लैन को प्रीफर करेंगे. स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इसकी क्या होती है, फास्ट होती है, एंड रेंज इफ़ यू वॉन्ट टू डिफाइन द रेंज ऑफ लैन, दैट विल बी नियर बाई 100 to 1 kilometer अप्रोक्सीमेट, यानी कि हम अप्रोक्स लिख करके चल रहे हैं कि वो 1500 meter भी हो सकती है, 2 kilometer भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 100 meter to 1 kilometer अप्रोक्सीमेट. आप देख सकते हैं कि हमारे घर का एक पर्टिकुलर साइज कितने जियोग्राफिकल एरिया में कवरअप होता है, 100 meter to 100 meter और 1 kilometer. स्कूल का कैंपस मान लीजिए,
वो भी कितना होगा 100 टू 1 किलोमीटर, और कुछ थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो वहाँ पे हम देखिए अप्रोक्सीमेट लिख कर चल रहे हैं। तो पेपर में आए तो आपको अप्रोक्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डिफाइंड रेंज नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड क्या होगा, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन मीन्स दिस टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी यूज इन सिटीज, जैसे कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले हमने लैंड को कवर अप किया विद इन अ विलेज, नाउ वी आर मूविंग टू द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। सिटी का भी कवर करने की बात करें तो सिटी क्या होती है, दिस विल बी कवर नियर अबाउट 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अब मेट्रोपोलिटन सिटी लाइक गुड़गांव, गुड़गांव क्या होती है, गुड़गांव वाली सिटी कितनी है, 50 किलोमीटर के अराउंड में कवर अप होती है। तो यहाँ पे भी हम देखो 10 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट लिख करके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी कम्प्लीटली डिफाइंड रेंज नहीं कर रहे हैं, बट नॉर्मल सिटी की बात करें तो वो 9 टू 10 किलोमीटर के अराउंड एरिया को कवर अप करती है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी क्या होता है 9 टू 10 किलोमीटर, लाइक के यू कैंपस है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, MDU यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्पेस या डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 9 टू 10 किलोमीटर्स होगा। MTech ब्लॉक आपको आगे मिलेगा, BTech ऐसे ही अलग अलग ब्लॉक्स जितने भी हैं 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस और 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो वो जो पर्टिकुलर एरिया होगा वहाँ पे अगर नेटवर्क हम लगाते हैं तो हम मैन को प्रिफेयर करेंगे। स्पीड की बात करते हैं तो लैंड से स्लो होती है, बट वैन से फास्ट होती है, और डिस्टेंस मैंने बताई दिया है। थर्ड टाइप का नेटवर्क जो आता है हमारे पास कौन सा है, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन कहाँ इस्टेब्लिश होता है, अब हम देखिए गाँव से कहाँ पहुँचे थे, डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे थे, अब डिस्ट्रिक्ट से कहाँ जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, यानी कि पूरे कंप्लीट स्टेट को अगर कवर करने के लिए हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ पे वैन को इस्टेब्लिश करके चलेंगे। और वैन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 100 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, यानी कि 100 किलोमीटर, मोर देन 100 किलोमीटर आप कह सकते हैं। और अप्रोक्सीमेट हमने यहाँ पे यूज किया है, यानी कि दैट कैन बी 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, और कहीं कहीं बुक्स में आपको 1000 किलोमीटर भी मिलेगा। यानी कि दिस इज अ लास्ट नेटवर्क, यानी कि सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सबसे ज़्यादा एरिया को कवर अप करेगा। जैसे इंडिया में अगर हम नेटवर्क लगाएं तो हम हरियाणा में भी नेटवर्क लगा रहे हैं या राजस्थान में भी नेटवर्क लगा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट में क्या होगा, एक 100 किलोमीटर पे हम वैन लगा देंगे, फिर सेकंड 100 किलोमीटर पे एक वैन लगा देंगे, थर्ड 100 किलोमीटर पे हम वैन लगा देंगे, और एट लास्ट हम अगर सबको आपस में कनेक्ट करेंगे तो इंडिया विल बी यूज्ड एज ए इंटरनेशनल इंटरनेट, यानी कि हम पूरे इंडिया को इंटरनेट से कवर अप कर देंगे। सो दिस इज अबाउट नेटवर्क। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, फुल फॉर्म आप इसके लिख सकते हैं, इंटरनेट इज ए इंटरनेशनल नेटवर्क एंड इट इज़ अ लार्ज ग्लोबल अवेलेबल नेटवर्क विच इज़ यूज टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि हम इंटरनेट के थ्रू इंडिया के बारे में या इंटायर वर्ल्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम सर्च करना चाहें तो हम इंटरनेट को प्रिफेयर करते हैं, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, गूगल करते हैं, और वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है आप विद इन अ सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले होती है। तो इंटरनेट का बेसिकली यूज यही होता है। अब इसके एप्लीकेशन हो सकती हैं कि इंटरनेट की एप्लीकेशन क्या है, इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट यूज कहाँ होता है, हम ईमेल में यूज करते हैं, यानी कि एक डिवाइस से या फिर एक वन पर्सन इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड एनी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक यू आर लिविंग इन इंडिया एंड यू वॉन्ट टू ट्रांसफर मैसेज इन USA, then at that point of time you have an email ID, you have an internet, you will send your documents attaching with the email to the person who is sitting at different geographical area. तो वो information आपकी पहुँच जाएगी with the help of internet, with the help of email. अब internet के through क्या करेगा, आपका email चलेगा आपके computer system में। तो ये basically use हो गया। Second क्या हो सकता है, FTP, file transfer protocol, यानी कि internet के through ही हम कोई भी वेबसाइट से किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। FTP का बेसिकली काम क्या होता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स ऑन द इंटरनेट। ये काम किसका होता है, FTP का। इसके अलावा ई कॉमर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि हमें सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, उसके लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट के थ्रू ही आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल वन इज़ टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। उसमें क्या होता है, हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो करते हैं, लाइक हमें किसी भी कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर पे एक्सेस करना होता है, लाइक यू डोंट, इफ़ यू हैव एनी टेक्निकल प्रॉब्लम इन ए कंप्यूटर एंड यू आर आस्किंग टू टेक्नीशियन टू कम एट योर होम, बट ही इज़ नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज द डिस्टेंस इज सो फार फ्रॉम यू एंड यू वॉन्ट रिजोल्यूशन विद इन नेक्स्ट 20 मिनट। तो ऐसा नहीं होगा, उस टाइम पे क्या होगा, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपका कंप्यूटर सेकंड जो टेक्नीशियन होगा क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का एक्सेस अपने कंप्यूटर पे
ले लेगा और उस वहाँ पे क्या करेगा, उसका रिजोल्यूशन ऑन द स्पॉट कर देगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो भी इंटरनेट से पॉसिबल होगा। इंटरनेट को आप सेकंड वे में डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यूज ऑफ कह सकते हैं कि नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, इनका भी कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि दिस इज अ नेटवर्क। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप W3 से भी बोल सकते हैं, WWW भी बोल सकते हैं, एब्रिविएटेड एज WWW और W3, कॉमनली नोन एज वेब, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सिस्ट बाय द इंटरनेट। यानी कि हम वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी आप URL टाइप करते हैं www.google.com, अब www क्या करती है, एज ए वर्ल्ड वाइड वेब आपके लिए काम करती है, हर वेबसाइट को आप सर्च करते हैं तो ऐसे आपको टाइप करना होता है। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, जो आपके लिए वेबसाइट्स को ब्राउज करता है, लाइक आप www.google.com लिखते हैं, www. कोई भी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट एड्रेस वहाँ पे लिखते हैं और जो पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है जहाँ ये आप ये लाइन टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप, एड्रेस बार बोलते हैं। और वेब ब्राउजर में आप टाइप करते हैं, सबसे पहले आप कहते हैं गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए, फायरफॉक्स ओपन कर लीजिए, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये किसके एग्जाम्पल है, वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली काम क्या हो गया, वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आता है वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट आप कोई भी URL आप टाइप करते हैं, जो जैसे आप एंटर करते हैं तो जैसे जो प्रोसेसिंग होती है उस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन आपकी क्या हो रही है, किसके पास जा रही है, वेब सर्वर के पास जा रही है। तो वेब सर्वर क्या होगा, ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। जो इन्फॉर्मेशन, जो URL आपने टाइप किया, जैसे आप एंटर करेंगे वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, सबसे पहले वेब सर्वर के पास जाएगी कि क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर URL के लिए, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट किया है। और वेबसाइट कहाँ से रेस्पॉन्ड होगी, वेब सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को गेट, उस इन्फॉर्मेशन को आपके लिए आपके सामने क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। सो वो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यूजेज ऑफ नेटवर्क, अब नेटवर्क का नीड जहाँ में आ सकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ नेटवर्क एंड द यूजेज ऑफ नेटवर्क, सबसे पहला काम हो गया हमारा डेटा शेयरिंग का, यानी कि डेटा को हम शेयर करेंगे अमंग द कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे। हार्डवेयर शेयरिंग दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि हार्डवेयर शेयरिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सिंगल प्रिंटर होता है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल कंप्यूटर, सिंगल प्रिंटर से हम हर कंप्यूटर का जो भी प्रिंट आउट होता है एक सिंगल प्रिंटर से हम गेट कर रहे हैं, यानी कि एक ही प्रिंटर काम कर रहे हैं बिटवीन 100 ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, मिनिमाइज हो रही है, जो डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, अब इंटरनेट क्या होगा, इंटरनेट हमने क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया है, बाद में हमने क्या किया, बाकी का सब IPs क्रिएट करके उसी के इंटरनेट से हमने सभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, तो इंटरनेट शेयरिंग में आ जाएगा। यूजेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, जितनी भी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन होंगी जो कॉमनली हर डिवाइस पे रन करेंगे उनको भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं विद इन द नेटवर्क। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट एक्सेस हम कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से हमारे पास मेथड हो सकते हैं। टू यूज इंटरनेट वी नीड द फॉलोइंग, सबसे पहले जैसे हम कह सकते हैं ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब उसका एग्जांपल, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अस द विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट, फॉर एग्जांपल BSNL हो गया, एयरटेल हो गया, MTNL हो गया, ये जो नेटवर्क, ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड है मोडम, मोडम क्या होता है, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जिसको आप बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। काम क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि एनालॉग डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है, मॉडम कहलाता है। टाइप्स अगर एग्जाम में आ जाए, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टाइप क्या होंगे, इंटरनल मॉडम एंड एक्सटर्नल मॉडम। इंटरनल क्या होती है, जो इनसाइड ऑफ कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, और एक्सटर्नल क्या होती है, जो आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। एक और टाइप फर्दर पूछ सकता है, तो वो क्या होगा, वायरलेस मॉडम, दिस इज सेम एज ऑफ एक्सटर्नल मॉडम बट डिफरेंस इज दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी फिजिकल कनेक्शन टू कनेक्ट दिस विद द कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई वायर नहीं होगी, तो वो कौन सी होगी,
वायरलेस मोडम। अब टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वायर्ड टेक्नोलॉजी और वायरलेस टेक्नोलॉजीज में कौन कौन से टाइप आपके आते हैं। तो वायर्ड में कौन कौन से आते हैं, डायल अप आते हैं, DSL आते हैं, केबल इंटरनेट एक्सेस आते हैं, और वायरलेस में क्या आते हैं, 3G आते हैं, वाईमैक्स आते हैं, वाईफाई आते हैं। तो ये एग्जांपल आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है ये, चाहे 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपका है या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। पहला है डायलअप कनेक्शन। डायलअप कनेक्शन क्या होता है, इट यूजेज द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन वाया टेलीफोन लाइन्स यूजिंग ए डिवाइस मोडम। तो टेलीफोन लाइन्स के साथ में ही, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का कनेक्शन आपके घर पे होता है, तो उसमें ही साथ में हम क्या करते हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, मोडम हम कनेक्ट कर लेते हैं। यूजर्स डायल ए नंबर एंड गेट एक्सेस टू द इंटरनेट। अब यूजर को क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेटर का खुद का क्या होता है, एक नंबर डायल होता है, जैसे वोडाफोन वालों का अलग नंबर डायल होता है, BSNL वालों का अलग नंबर डायल होता है। उसके थ्रू क्या होता है, आपका कोड वेरीफाई होता है, जो कोड आप रन करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उस नेटवर्क से आप कनेक्टेड हो जाते हैं और इंटरनेट को आप यूज़ कर सकते हैं। स्पीड की बात करें तो स्लो स्पीड होती है डायलअप कनेक्शन में। एंड सेकंड इज DSL। DSL क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक प्राइवेट लाइन होती है, प्राइवेट फ़ोन लाइन आप कह सकते हैं, कि आप जो कनेक्शन ISP आपको प्रोवाइड करता है, तो यूनिक डेडिकेटेड लाइन के साथ में प्राइवेट लाइन आपको मिलती है, उसके थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। अब वहाँ पे स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि कोई अदर यूजर उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर रहा, उस इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे, केवल आपके लिए स्पेशली वो नेटवर्क, वो लाइन आपको ले दी गई है इंटरनेट वाली। तो वो क्या होती है, DSL होती है। DSL में कह सकते हैं, लाइन प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क। इट इनेबल्स द यूज ऑफ टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन ऑन ए सिंगल टेलीफोन लाइन। जो मैंने बोला था कि प्राइवेट यूनिक क्या होगी, सिंगल टेलीफोन लाइन होगी। फॉर यूजिंग DSL कनेक्शन वी नीड ए DSL मोडम एंड ए सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमारे पास एक DSL मोडम होनी चाहिए और एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए फॉर गेटिंग एक्सेस थ्रू DSL। थर्ड आता है केबल इंटरनेट एक्सेस। अब केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स एंड इट सिमिलर टू DSL। तो केबल इंटरनेट एक्सेस क्या होगा, केबल के थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, बेसिकली काम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज करने। अब सेकेंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से हमारे पास टाइप रहेंगे, 3G, वाईमैक्स, वाईफाई। 3G क्या होता है, थर्ड जनरेशन मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स में हम यूज करते हैं इंटरनेट कनेक्शन, हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू यूज करते हैं। 3G आता है, 2G आता है, 4G, इस टाइप के नेटवर्क्स आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी में आएंगे। वाईमैक्स क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू वैरायटी ऑफ डिवाइसेज। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज सिस्टम। लॉन्ग रेंज सिस्टम होता है, इट इज बेनिफिशियल वेयर देर इज ए डिफिकल्टी इन लेइंग आउट केबल्स एंड वायर्स, यानी कि वायरलेस वे में हम यूज़ करते हैं, केबल्स का हम यूज नहीं करेंगे ना वायर्स का यूज करेंगे। स्पीड की बात करें तो स्पीड बहुत बेस्ट होती है वाईमैक्स में। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। इट इज़ ए पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज टू ट्रांसफर डेटा वायरलेसली ओवर ए नेटवर्क। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। द वायरलेस नेटवर्क इज ए फॉर्म्ड through a device called wireless access point. It is beneficial as there is no need of laying out wires for transferring data. यानी कि यहाँ पर मैं वायरस की कोई रिक्वायरमेंट होती है, वायरलेस वे में हम इसको यूज करते हैं वाईफाई को। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, जो 5 मार्क्स में मैंने बताया था कि क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। या तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन, जिसके मैं अंदर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेज भी आपको साथ में डिफाइन करनी है। तो डेटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट में क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेटा, जो मैसेज जो आपके पास होगा, क्या करोगे आप उसको नंबर ऑफ फिक्स साइज पैकेट्स में डिवाइड करेंगे। जो स्विचिंग टेक्निक्स हमारी आती हैं, मैसेज स्विचिंग हो गया, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। सो डेटा इज ब्रोकन अप इनटू बिट्स ऑफ सेम साइज पीसेज कॉल्ड पैकेट्स। ए हेडर इज एडेड टू ईच पैकेट एक्सप्लेनिंग वेयर द डेटा हैज कम फ्रॉम, वेयर इट शुड एंड अप एंड वेयर इट्स फिट इन द रेस्ट ऑफ द पैकेट। यानी कि हेडर हम साथ में पैकेट के अटैच करके चलेंगे, और उस हेडर में सोर्स एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा। सोर्स एड्रेस क्या डिफाइन करेगा कि डेटा पैकेट आपका कहाँ से आया है, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या डिफाइन करेगा कि डेटा पैकेट हमारा कहाँ पर जाएगा। लाइक हम महेंद्रगढ़ से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ का एड्रेस होगा,
जो आपका सोर्स एड्रेस में होगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो सकता है, लाइक गुड़गांव में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, गुड़गांव का आपका क्या होगा, सेकेंड एड्रेस होगा जो डेस्टिनेशन एड्रेस आप वहाँ पे लिख करके चलेंगे। थर्ड वर्क क्या करेंगे इसमें, ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। यानी कि एक अब महेंद्रगढ़ से डेटा चलेगा तो हमारे पास देखिए इन ऑन द वे इन वे हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होंगे, तो डेटा आपका एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। लाइक पहला कंप्यूटर हमारे पास महेंद्रगढ़ में है, सेकंड कंप्यूटर हमारे पास रेवाड़ी में है, थर्ड कंप्यूटर हमारे पास झारवेड़ा में है, और फोर्थ कंप्यूटर हमारे पास गुड़गांव में है। तो डेटा आपका ट्रैवल करते करते महेंद्रगढ़ से चल के नंबर ऑफ नेटवर्क्स को फॉलो करते हुए क्या पहुँचा है, डेस्टिनेशन पर पहुँचा है। तो वहाँ पर डेटा आपका ट्रैवल करेगा बिटवीन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द वे। अब ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट, अब जरूरी नहीं कि सारे पैकेट्स आपका सेम रूट फॉलो करेंगे। जहाँ भी लगता है कि डेटा आपका विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पहुँच सकता है, किसी भी नेटवर्क को फॉलो करते हुए, किसी भी वे को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक डेटा आपका पहुँचेगा। एट द डेस्टिनेशन पैकेट्स आर एग्जामिंड, इफ एनी पैकेट्स आर मिसिंग और डैमेज ए मैसेज इज सेंट आस्किंग फॉर देम टू बी रिसेंट। यानी कि डेस्टिनेशन पे क्या होगा, हर पैकेट की रीअसेंबलिंग होगी, दोबारा से उस मैसेज की रीअसेंबलिंग होगी, नंबर ऑफ पैकेट जितने भी आएंगे, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई होगा, और सबको एक रीअसेंबलिंग वहाँ पे की जाएगी कंप्लीट मैसेज के लिए। अब कोई भी पैकेट अगर वहाँ पे मिसिंग में है तो रिसीवर क्या करेगा, सेंडर को इंटीमेट करेगा कि आपका पैकेट नंबर, जैसे मान लीजिए पैकेट नंबर 3 नहीं पहुँचा, तो पैकेट नंबर 3 के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा कि पैकेट नंबर इज नॉट रिसीव्ड एज ऑफ नाउ, सो प्लीज़ सेंड दिस पैकेट अगेन। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है कि सेंडर के पास, सेंडर क्या करेगा, उसको रिसेंड करेगा, और उसके बाद में दोबारा से पैकेट रिसेंडिंग होगी, वही आपका काम हो जाएगा और मैसेज आपका वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट डेटा ट्रांसफर ऑन इंटरनेट। अब इसके साथ साथ में हम स्विचिंग टेक्निक्स को करके चलेंगे। स्विचिंग टेक्निक्स क्या होती है, व्हाट इज स्विचिंग, स्विचिंग में क्या करते हैं, वन व्हेन अ डिवाइस इज सेंडिंग मैसेज और पैकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन दैट मैसेज विल बी रिसीव्ड एट द डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग पाथ्स और नेटवर्क्स इन बिटवीन। सो उस टाइप के नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं। यानी कि डेटा पैकेट्स आपका वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग टेक्निक बोलते हैं। टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स में क्या क्या आती हैं, सर्किट स्विचिंग आता है, मैसेज स्विचिंग आता है, और पैकेट स्विचिंग आता है। अब सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, कंप्यूटर्स के बीच में फिजिकल कनेक्शन होता है, यानी कि फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट होता है कनेक्शन का। लाइक हमारे पास दो कंप्यूटर है, दोनों को हम क्या करेंगे, एक विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट करेंगे। आप डेटा ट्रांसफर करना है आपको, मैसेज वन डिवाइस में से जो भी डेटा रखा हुआ है उसको आप सेकंड डिवाइस में ट्रांसफर कर रहे हैं, या सेकंड डिवाइस के डेटा को आप फर्स्ट डिवाइस में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब उसके लिए अगर आप स्विचिंग का यूज करेंगे, दोनों कंप्यूटर पास पास ही रखे हुए हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, एक वायर का यूज करेंगे। उस टाइप की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सर्किट स्विचिंग बोलते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड इतनी फास्ट नहीं होती है, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नज़दीक कंप्यूटर रखे हुए हैं, बिल्कुल पास में कंप्यूटर्स हैं, तो उनमें ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा ट्रांसमिशन की बात करें कि 100% डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आप एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा आपका पहुँचा नहीं पहुँचा, 100% आपका डेटा डिलीवरी प्रोवाइड करता है। कौन सा, सर्किट स्विचिंग। सेकेंड कौन सा आता है, सेकेंड है हमारे पास मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग में हम क्या करेंगे, मैसेज बनाएंगे और मैसेज को क्या करेंगे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस भेजेंगे। लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंस क्या होता है मैसेज और पैकेट में, मैसेज और सर्किट स्विचिंग में, दैट डिफरेंस इज दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी फिजिकल कनेक्शन इन बिटवीन द डिवाइसेज। अब वहाँ पे देखें हमारे पास कोई मैसेज के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं होगा, कोई केबल का हम यूज़ नहीं करेंगे, वायरलेस में डेटा को सेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम मैसेज सेंड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले रिसीविंग एड्रेस होना चाहिए, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेस हम मैसेज के साथ में अटैच करके चलेंगे, कहाँ हमें मैसेज भेजना है। तो ये किस में करेंगे, मैसेज स्विचिंग में करेंगे। लेकिन पैकेट डिलीवरी की बात करें तो पैकेट डिलीवरी हम नहीं कह सकते कि 100% पैकेट डिलीवरी होगा, अगर नेटवर्क नहीं है, रेंज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हम मैसेज सेंड तो कर चुके होंगे, ज़रूरी नहीं वो डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, लेकिन जैसे नेटवर्क आएगा तो मैसेज आपका पहुँच जाता है। नेक्स्ट आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग और सर्किट मैसेज स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है, अब मैसेज आपका साइज में अगर बढ़ जाता है, यानी कि मैसेज आपका फिक्स साइज से एक्सटेंड कर जाता है, तो उस मैसेज को हम किस में डिवाइड कर देते हैं, पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में हम डिवाइड कर देते हैं एक पर्टिकुलर साइज के। अब उसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक सोर्स एड्रेस होगा, एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। डिफरेंस यही होगा कि हम मैसेज स्विचिंग में
के साथ में केवल डेस्टिनेशन एड्रेस साथ में अटैच करके चलते हैं, लेकिन पैकेट स्विचिंग में, क्योंकि वो पैकेट मैसेज का क्या है, पार्ट है, मैसेज के नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, तो अब मैसेज हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं और उसके नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं, वही नंबरिंग हमने कर रखी है 1-2-3 की फॉर्म में। जब रिसीविंग एंड पे जब आपके पैकेट्स रिसीव होते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशन कैसे करेगा, वेरिफिकेशन कैसे होगा, पैकेट का सोर्स एड्रेस देखा जाएगा, पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस देखा जाएगा और वहाँ पर रीअसेंबलिंग होगा, क्योंकि हर पैकेट का, हर मैसेज का के पैकेट्स का अलग अलग सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई करके हम क्या करेंगे, वहाँ पे रीअसेंबलिंग कर लेंगे डेटा पैकेट्स की, यानी कि मैसेज हम वहाँ पे रीअसेंबल हो जाएगा। तो मैसेज के यहाँ पे पैकेट के साथ में हम सोर्स एड्रेस भी अटैच करेंगे और डेस्टिनेशन एड्रेस भी अटैच करेंगे, ताकि हमारे लिए रीअसेंबलिंग डेस्टिनेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, हमें पता लग जाए कि ये मैसेज, ये पैकेट उस पर्टिकुलर मैसेज का पार्ट है। तो ये रहेगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं आप। यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम वन सेंडर टू रिसीवर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और बेसिकली यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम देख लीजिए। मोस्ट आई एम सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑप्शन टू ट्रांसफर फाइल्स, ऑडियो चैट, वीडियो, इमेजेस एटसेट्रा, हम क्या करते हैं ट्रांसमिशन में, बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम में यूज कर लेते हैं। की फीचर्स ऑफ आई एम आर, टेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये वाला काम हम यहाँ पे करते हैं, सिमिलर टू मैसेज हम भेजते हैं। ऑडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल ट्रांसफर, मैसेज हिस्ट्री, ये सब वर्क हम यहाँ पे करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, हमारे पास दो टाइप के मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और वेब बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन पे ही चलते हैं, लाइक एग्जांपल गूगल टॉक हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गूगल टॉक को इंस्टॉल डाउनलोड करना होता है, फिर हम हमारे मोबाइल फ़ोन में या फिर डिवाइस में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया, विंडोज़ लाइव मैसेंजर हो गया, रेडिफ वॉल एटसेट्रा। वेब बेस्ड में कौन कौन से आते हैं, जो वेबसाइट पर चलते हैं, लाइक एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर्स यूजिंग सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर एटसेट्रा। तो एमएसएन वेब मैसेंजर हो गया, याहू मैसेंजर फॉर द वेब, मीबू, IMO एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, वेब बेस्ड के हैं। पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन एनी 2 or 3 एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपको पता होना चाहिए गूगल टॉक हो गया, याहू मैसेंजर, स्काइप। ऐसे ही वेब बेस्ड में क्या कौन कौन से एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे, हो सकता है कि 2-3 एग्जाम्पल पूछे, तो MSN वेब मैसेंजर, याहू मैसेंजर और IMO सॉफ्टवेयर, ये आप यहाँ पे IMO भी आपका वेबसाइट पे चलता है, तो ये वाला एग्जाम्पल आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके साथ साथ में रूल्स ऑफ चैटिंग बताया था, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब की बार भी हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो चैटिंग के रूल्स क्या क्या होते हैं, शॉर्ट मैसेज हमें टाइप करने होते हैं, रिसीवर के रेस्पेक्ट करनी होती है, वेट करना होता है जब तक रिसीवर रिप्लाई नहीं करता।